दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कटिंग लेंथ ऑफ डायमंड सीरप से, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। दो अप्रोच बताऊंगा दोस्तों, सेव जरूर से करिए और सीखना चाहते हो डिटेल में हमारा कोर्स है ऑफिशियली बायो एससी की। आगे बढ़िए, सबसे पहले दोस्तों आपको हॉरिजॉन्टल सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेना है। सेंटर लाइन ऑफ स्टीरप से तो आ जाएगा दोस्तों 412 mm, 500 में से दोनों जगह क्लियर कवर को माइनस कर दिया, दोनों आ जाएगा डायमंड माइनस कर दिया, बहुत सिंपल, मैंने आपको पहले भी सिखा दिया। सिमिलरली दोस्तों वर्टिकल सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ना सेंटर लाइन ऑफ स्टीरप से तो आ जाएगा दोस्तों ये 312 mm। इन दोनों को कंसीडर करते हुए दोस्तों हम सी को फाइंड आउट करेंगे, कैसे मिलेगा ए बाई टू और बी बाई टू, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे और पाइथागोरस के हिसाब से दोस्तों आप अंडर रूट करके सी को आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं कि mm के अंदर आए। अब दोस्तों सी मिल चुका है, ये चार बार दोस्तों सी को कंसीडर करेंगे डायमंड शेप से कटिंग लेंथ में। आगे इसका फॉर्मूला दोस्तों मैं बताऊंगा। रिडक्शन की बात करें और एडिशन की बात करें तो तीन यहां पर 90 डिग्री के हिसाब से रिडक्शन हो गए और 135 डिग्री के हिसाब से दो यहां पर रिडक्शन हो गए, क्योंकि यहां पर 135 डिग्री के बैंड्स हैं। एडिशन की बात करें दोस्तों तो हुक लेंथ यहां पर प्लस होगी दो बार 135 डिग्री के हिसाब से, तो 10 टाइम्स ऑफ डायमीटर प्लस हो जाएगा। इस सबको कंसीडर करते हुए दोस्तों कटिंग लेंथ का फॉर्मूला बनेगा, चार बार सी है ना, मैंने पहले बताया ये सारे के सारे क्या है, सी 4 टाइम्स सी प्लस 2 टाइम्स ऑफ हुक लेंथ जो कि एडिशन में प्रोवाइड किए और बाकी का हमने रिडक्शन कर दिया, उस हिसाब से दोस्तों 1097.6 एमएम हमारा आंसर आ चुका है। आईएस कोड के हिसाब से दोस्तों बात करें जैसे रिडक्शन को कंसीडर नहीं किया गया तो एप्रोक्सीमेटली 4c + 24d के हिसाब से हमारा आंसर आ जाएगा 122.5.6 एमएम।